जन्मदिन का उत्सव मना रहे हो आप, तो अब तो आगे वाले उत्सव की तैयारी हो रही है। 80 साल तो हो गए भाई। एक दर्शन ऐसा है हमारा जो मूर्त रूप ले रहा है, मगर अफसोस इस बात का है कि इस देश ने कभी भी इस देश के गुरुओं को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। कितनी विभूतियां यहां आई, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, नरसिंह अरविंद, आज उनके पार्लियामेंट में बुत लगा के माला पहना के तीसरी कर देते। जब तक वो जिंदा रहे उनके इस देश में कोई कदर नहीं, उल्टा अपमानित किया। विवेकानंद जी को धर्मभार कर दिया, मंदिर में नहीं जाने दिया, आखिर जन्म आखिर मौत तक मंदिर में नहीं जा सके। ये सब पाश्चात्य संस्कृति के एक मानसिकता यहां फैलाई हुई उसके कारण थी। अरविंद ने कहा है कि अंग्रेजों के आने से पहले ही बहुत अंधकारपूर्ण स्थिति थी देश की, और अंग्रेजों के आने के बाद में तो वो अंधकार ठोस बनकर जम गया। वही कारण है कि आज हम अशांत हैं। पैगंबरवादियों का बोलबाला है, ईश्वरवादी हम उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं। एक ऐसी स्थिति है इसको अगर जिन खत्म नहीं किया गया तो देश की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। मैं नहीं समझता इस देश की सरकार या राज्य सरकार इसको सीरियसली क्यों नहीं ले रही है। अब मैं तो राजनेताओं की भाषा समझता नहीं, उनकी कार्यशैली समझता नहीं, उन पर क्या दबाव होता है मैं तो जानता नहीं, मैं तो धार्मिक क्षेत्र का आदमी हूं। मगर जो कुछ कर रहे हैं वो देश के हित में नहीं है। अब रोग ठीक हो रहे हैं उससे तो अचंभा कर रहे हैं, मगर रोग ठीक जो हो रहे हैं जिसको भौतिक साइंस ठीक नहीं करती वो क्यों हो रहे इसमें कोई नहीं बोलता। योग क्या है? योग जो है हमारे दर्शन में योग का मतलब होता है आत्मा, आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार। योग मतलब प्लस। हमारे योग का उद्देश्य तो मुक्ति है, हमारे योग का मेन ऑब्जेक्ट मुक्ति है, रोग है ही नहीं। आप पातंजलि योग दर्शन उठा के देख लो, उसमें रोग का एक शब्द आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। वो तो वृत्तियों के बदलाव की बात करता है, कैवल्य पद पर पहुंचने की बात करता है। 195 सूत्र में मनुष्य को कैवल्य पद पर पहुंचता है, अपने असली स्वरूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इसको सिद्ध योग कहते हैं, सिद्ध, ये सिद्ध योग है। अब जो लोग समझ रहे हैं उनकी मजबूरी है, क्योंकि धर्म तो आज पेट से जुड़ गया तो उनको दोष भी नहीं दिया जा सकता। जो सत्ता में बैठे उन पे पता नहीं क्या इंटरनेशनल दबाव है कि सच्चाई को भी नहीं उगल पा रहे। अब उगल नहीं पा रहे तो निकल भी नहीं पा रहे, बड़ी बुरी हालत होगी बेचारों की। आज से बहुत साल पहले मैं आपको बताऊं, इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। 7-8 साल पहले ये राह वाले मेरे पीछे पड़ गए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये क्या कर रहा है ना, तो भगवान पहनता है ना तेल छापे करता है, चलो रिसर्च मन का जाओ रिसर्च कर। अब दीक्षा ले ली सीरियसली, नाम जब ध्यान करने लगे तो फंस गए, कहने लगो जी गड़बड़ होगी। हम तो उस महकमे के आदमी है, अब तो गड़बड़ी हो गई कि पहली नौकरी आपके बाद में भारत सरकार की, आपको तो इतला करना। मैंने कहा इतला कर दो। राग कैश भी आके इंक्वायरी करके गया, कहने लगा मेरे को दीक्षा दे दो। अब पुलिस के कोई 15-20 SP DIG पता नहीं कितने चल रहे हैं, मगर राजनेता एक भी नहीं आता। तो
तो अब ये जो सिद्ध योग है ये रिजल्ट दे रहा है, सारे लोग खत्म क्यों कर रहा है? मैं आपको तो सिद्ध योग का आपका परिचय दूं। जो योग आज प्रचारित हो रहा है, पूंजीपति उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, अखबार उनके है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनका है, वहां तो धन की भूमिका है। मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास केवल धर्म है। केन गोविंदाचार्य मेरा चेला है, आरकेपुरम में दिल्ली में उसने बेसमेंट में देख मेरे से दीक्षा ली थी। तब मैंने उनको कहा था कि तुम्हारा उद्देश्य है स्वदेशी का मतलब धन जो बाहर जा रहा है उसको बचाना है, बचाना है। मैंने कहा विज्ञान के आधार पर वो धन खींच रहे हैं, उनके पास टेक्निक है। आपकी एक घड़ी 1200 में मिलती है, वो 500 में देते, कौन खरीदेगा? और मैंने कहा धन तो चला गया तो गोविंदाचार्य फिर आ जाएगा, धर्म चला गया तो नहीं आएगा। ये तो देश पे धर्म पे अटैक है वेस्ट का, एक तरफ से नहीं दसों दिशाओं से अटैक है। मगर वो ना समझ लोग ये नहीं जानते, ये अमर धर्म है, ये अमर धर्म है। अभी 2,500 साल हुए उन दोनों धर्मों को तो पैदा हुए, वो तो एक क्षण का पैदा हुआ बच्चा है हमारे धर्म के सामने, जोर लगा लिया नहीं रुका, यहां तक आ गया। अब जब लोगों ने कहा गुरुजी ये देश तो इतना गुलाम रहा है कि पश्चिम के विचार भी उधार लिए बैठा है, एक दफे न्यूयॉर्क से हाथ लगा के आ जाओ तो ये देश मान जाएगा। कई दिन मेरे नहीं चचे, आखिर मेरे को भी फैसला करना पड़ा कि अब तो उनसे उनके बिना पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैज्ञानिक इस बात को सच्चाई से ले रहे हैं। अभी एक अमेरिका से आया था, एक बाप अपने लड़के को कैंसर के पेशेंट को लेके, और 3 तारीख को यहां दीक्षा ली थी। उसने मेरा वेबसाइट देखा तो देखते ही उसको एक अंदर से बहुत तेज आवाज आई कि तेरा बेटा तो इसके पास जाएगा तो ठीक होगा, नहीं तो मरेगा इमीडिएटली। वो उसको पता ही नहीं था वीजा कैसे लेते हैं, बेचारे ले ला के भगा यहां आया। कीमोथेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं। यहां मैंने कई केस दिखाए कीमोथेरेपी वाले, जिनको 15-15 महीने से साल साल से कीमोथेरेपी बंद है, तो उन्होंने कहा कि कीमोथेरेपी 6 वीक नहीं दे तो पेशेंट मर जाता है, ये हमारी साइंस कहती है। और मैंने कहा 6 वीक के अंदर अंदर दे दे तो कहने का 6 साल जिएगा। और मैंने कहा कीमोथेरेपी देने के बाद में वो आदमी काम करेगा? कहने लगे जी हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकलेगा। तब मैं क्या उसको मार क्यों रहे हो, 6 वीक में जाने दो ना, परेशान क्यों कर रहे हो? जब उस लड़के ने रिजल्ट देखे तो उसने वहां जाके इनकार कर दिया, मैं तो कीमोथेरेपी नहीं लूंगा, मरने तो मेरे को आराम से। अब वो हलचल मच गई अमेरिका में, तो कई ब्लड कैंसर ठीक हो गए, एड्स तो पता नहीं हजारों ठीक हो गए। भारत सरकार ने नहीं सुना, मैंने वेस्ट के मीडिया को दे दिया, CNN को दी पूरी कॉपी, 400 आदमियों की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिपोर्ट रैनबैग सीखी, हल्ला मच गया। पूछा ये क्या हो गया, ये प्रैक्टिकेबल है तो क्या? मैंने कहा आपकी लेबोरेटरी क्या करी है? अब वो दिल्ली के आदमियों से इंक्वायरी की, उन्होंने कहा जी हमने तो आज 6 महीने हो गए दवाई छोड़े को, एड्स थी, ये रिपोर्ट है और अब ये रिपोर्ट है। अब उन्होंने कहा नहीं, पूरे देश में जो आदमी है, एक केरला को छोड़ के पूरे देश के मेरे शिष्य एड्स के, आपको ताज्जुब होगा। बॉम्बे में एक बॉम्बे में 1,000 आदमी, पिछले सावन दो थे, मैं दोनों महीने वहीं था, जुलाई अगस्त। तो अब उनको परेशानी है, कैंसर ठीक हुआ कोई नहीं बोला, गठिया वठिया सब शुरू से ठीक हो रहे, मगर जो ही एड्स ठीक हुआ चिल्ला गए, क्योंकि लूट रहे एड्स के नाम से और रोकना कोई नहीं चाहता, स्प्रेड नहीं करे। यहां तक तो सहमत है गवर्नमेंट भी, अगर खत्म हो गई तो फिर अवेयरनेस के लिए जो करोड़ों डॉलर आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। ये धन सत्ता पर बैठे धन रूप लोलुप्त लोग लाखों आदमी को मरवा रहे हैं, समझे?
जिंदी मक्खी निकल रहे हैं, सबको मालूम है, गोविंदाचार्य को मालूम है कि किस किस आदमी के एड्स ठीक हो। अब भाई नेम जानता है, मगर आज भी नहीं बोलता हूं। उनको राज चाहिए, और जिंदे राम मर रहे हैं उनकी कोई परवाह नहीं करता। तो ये सिद्ध योग ऐसा योग है जो आपके अंदर जो चेतन सत्ता बैठी है वो करवाती है। ये रामदेव जी, स्वामी रामदेव जी करवा रहे, ये तो बाहर से कहते हैं ये आसन लगाओ के ऐसा योग करो के ऐसा मोड़ो के ऐसा मोड़ो। अब आदमी की जरूरत कैसे समझेगा वो कि इसको क्या जरूरत है। हर आदमी अपने अपने प्रारब्ध लेके आता है, तो जिसको जो चीज की जरूरत नहीं वही करवा देते हैं, वो फिट नहीं होता तब फिर मामला गड़बड़ होता है। और खास तौर से मैं जो उसको देख रहा हूं कि जो प्राणायाम करवाया जा रहा है ना, वो बहुत नुकसान पैदा करेगा। लंग्स के साथ छेड़छाड़ है, बहुत खतरनाक साबित होगी, आपको टाइम बताएगा क्या होगा, समझे ना। मगर ठीक है भैया, पूंजीपतियों का स्पॉन्सर किया हुआ है। मैं आपको बताऊं, मुझे जानकारी है कि कौन पीछे से किसको स्पॉन्सर कर रहा। बॉम्बे में मेरा प्रोग्राम था पिछले साल, तो सीआईडी वाले पीछे पड़ गए, पता लगाओ इसका स्पॉन्सर करने वाला कौन है। सीआईडी वाला आया, पता लगाया, कहा जी ये तो दो चार आदमी नौकरी पैसा है वही करवा रहे हैं, और जो एड्स से ठीक हो जाता है वो अपनी तरफ से करवा रहा है। तो ये इतना सीरियस मामला है, मगर इस देश की सरकारें नहीं दे रही। जब मैंने प्रचार शुरू कर दिया मेरे शिष्यों, पिछले जन्मदिन की बात है, मैंने मेरे शिष्यों कहा भाई सिद्ध योग के लिए अवेयरनेस फैलाओ दुनिया, हम भारत में, कि भाई अवेयरनेस तो बचने के लिए फैला रहे हैं, हम कह रहे हैं क्योरेबल है और सिद्ध योग से क्योर हो सकता है। अवेयरनेस फैलानी शुरू कर दी, सरकारें घबरा गई, बीकानेर मेरे खिलाफ FIR कर दी थाने में, नए शहर थाने। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, और जन मैंने बंद कर दिया प्रोग्राम, 5 महीने बंद रखा। पुलिस ने FIR दे दी कि झूठ है, FIR झूठ है, FIR झूठ है, अखबारों ने साफ दी मेरी फोटो सहित, तो संत सियाग के खिलाफ की हुई FIR झूठी साबित हो गई। मैंने सारा मैटर दे दिया पुलिस को, छापा मारने आया, मैंने कहा ये ले जाओ, ये जो चोरी कर रहा हूं या डाका डाल रहा हूं ये देख लो। मैंने ऐलान किया था कि अगर गवर्नमेंट सहयोग करे नहीं साल भर में एड्स भारत का खत्म हो सकता, तो 5 महीने उन्होंने रुकवा दिया। तभी तो 5 महीने तो मेरे पास हाथ में है ना, क्या होता है देखते जाइए 5 महीने में। अब वेस्ट में आग लग चुकी है, वो सारे के सारे केस वो फार्मेसिस्ट जो आया था उसने कहा कि 100 डॉक्टर मेरे परिचित है, और मेरे लड़के जैसे 20 केस तो आज भी है कि कल मरू को आज मरू, वो सभी आने वाले। भारत सरकार बोले नहीं बोले मुझे कोई चिंता नहीं है, मगर ये विकासवाद जो हमारा है ये मूर्त रूप ले रहा है, ये रुकेगा नहीं। ये मानवीय व्यवस्था नहीं है, ये ईश्वरीय व्यवस्था है। आप महर्षि अरविंद का एक पहला स्पीच है जेल से निकलने के बाद, उत्तरपाड़ा स्पीच, उसको आप पढ़ोगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। कृष्ण की इच्छा है कि ये धर्म विश्व धर्म हो। अभी पागेदार जी यहां आए थे, ये बॉम्बे के हैं, मैंने बॉम्बे में इनको कहा था, उसने कहा गुरुजी ये धर्म तो इतना डूब चुका है कि इसको बचाने वाला भी डूबेगा। मैंने कहा यह स्थिति सही है। फिर मैंने उत्तरपाड़ा स्पीच दे दिया अरविंद का, तब उन्होंने कहा कि अब इस देश को, इस धर्म को कोई भी नहीं दबा सकता। तो कृष्ण की इच्छा कि ये देश, ये धर्म विश्व धर्म हो, इसका प्रचार पूरे संसार में हो इस ज्ञान का। उत्तरपाड़ा स्पीच में अरविंद ने कहा, अरविंद को कहा कृष्ण ने ध्यान की स्थिति में कि मैं इस देश का उत्थान कर रहा हूं, इसको ऊपर उठा रहा हूं ताकि मेरी वाणी का संदेश पूरे संसार को ये देश फैलावे। तो अब ये विस्तार होगा, अब सिद्ध योग। मैं जो नाम बताता हूं जपड़े को, उस नाम जब से साधक की कुंडलिनी जाग जाती है, और
कुंडलिनी जागते वो साधक का शरीर प्राण मन और अपने बुद्धि और अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है, साधक उसको रोक नहीं सकता। अब यहां आके लड़खड़ा गया विज्ञान, वो कहता है बिना प्रयास के। मैंने कहा आप रोकना चाहो तो नहीं रोक सको, आ जाओ मैदान में। तो इस प्रकार जो योग हो रहा है उससे सारे शारीरिक रोग खत्म हो रहे हैं, चाहे साइंस ने उसको इनक्यूरेबल कह दिया। वही योग होगा जिसकी आपको जरूरत है, वो तो बिना जरूरत के करवा रहे हैं बाहर वाले। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो तो कुंडलिनी योग करवाएगी। कुंडलिनी जागृत होते ही वो आपका शरीर प्राण मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेगी और पहले आपका आसन बदलेगा। आपको किस आसन में बैठना है उसके बाद में बंद लगेंगे, तीन बंद लगते हैं। मैंने कई दफे कहा है कि हमारा धर्म पूर्ण साइंटिफिक धर्म है, विज्ञान वाले जवाब क्यों नहीं देते? आपने देखा है रॉकेट जाते ऊपर तो नीचे स्पार्क होता है एनर्जी का, उससे ऊपर उठते हैं। और कुंडलिनी रीड कर दी कि आखिरी हिस्से में 3:30 घंटे लगा के सो रही है, वो जब जागृत हो जाएगी तो ऊपर कैसे उठे? साइंटिफिक ढंग से उसको कोई नीचे से पुश करेगा, धक्का देगा तो ऊपर उठेगी। तो योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण अपान समान उदान और व्यान। हर एक वायु का अलग अलग शरीर में काम होता है। प्राण वायु हम सांस लेते हैं, अपान वायु जो है नाभि से नीचे के डिस्चार्जेस को फेंकता है, नीचे फेंकता है। और कुंडली या रीढ़ के आखिरी हिस्से में जब तक वो अपान वायु ऊपर नहीं उठेगा, कुंडलिनी ऊपर नहीं उठेगी, तब फिर वो कुंडलिनी आपके 3 बंद लगाती है। पहला बंद लगेगा आपका मूलाधार में, अब अपान वायु ऊपर नहीं जा सकेगा, वायु का काम होता चलना, तब फिर ऊपर उठेगा, उसके सारे कुंडलिनी ऊपर उठेगी। ये सारा अपना आप होगा, ऑटोमेटिकली होगा, आप नहीं करोगे। आप तो यहां गुरु को देखो और जो नाम बताया उसको जपते रहो, समझे समझे। बाकी सारा कार्यक्रम जो है अंदर वाला करेगा। जो ही नाभि से ऊपर आई कुंडलिनी तो दूसरा बंद लग जाएगा, उड़ियान बंद। आप चाहे कितने ही मोटे हो, रीढ़ गड्डी की तरफ खिंच जाएगी आपकी नाभि, चिपक जाएगी रीढ़ गड्डी, फिर योग होता रहेगा। ये कंठ का गड्ढा है, इससे ऊपर निकलते तीसरा बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं जालंधर बंद। इसके बाद में जो रीढ़ गड्ढी का हिस्सा बाकी बच गया उसमें हर तरह का मूवमेंट संभव नहीं, तब प्राणायाम होता है। प्राणायाम आखिरी क्रिया है, ये लोग पहले करवा रहे, बहुत खतरा है ये। तो इस प्रकार प्राणायाम जब पूर्ण हो जाएगा तो कुंडलिनी आज्ञा चक्र से ऊपर निकल जाएगी, आदमी समाधिस्थ हो जाएगा। मगर समाधि लगने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। समाधि लगे बिना आप प्रकृति का रहस्य नहीं मालूम कर सकते। अगर गोड़े में दर्द है तो ध्यान इधर जाएगा, समाधि लगेगी नहीं। तो ये योग है त्रिविधि ताप शांत करता है, भारतीय योग जो है साधक के त्रिविधि ताप शांत करता है। इस संबंध में गुरुनाथ जी महाराज ने कहा है कि ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, ये योग जो है ना वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक आदि भौतिक आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज, इससे बाहर कोई रोग ही नहीं है, इसलिए ठीक कर रहा है। ये कोई मिराकल नहीं हो रहा है, ये कोई करिश्मा नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये आदमी में विकास ड्यू था शुरू हो गया, समझे समझे। ये विकास ड्यू था शुरू हो गया, मगर अब आज धार्मिक जगत में कथा ही सुनाई जा रही है। पूरे विश्व के धर्मों की एक स्थिति है, एक हमारी नहीं है। तो ये सभी धर्मों की एक स्थिति है, सभी हम गुणगान कर रहे हैं पीछे का। हम राम कृष्ण के कर देने तो सतयुग में चला जाए, ईसा के कर रहे हैं, मूसा के कर रहे हैं, मोहम्मद के कर रहे हैं, महावीर के कर रहे हैं, बुद्ध के कर रहे हैं। जो बीत चुका उसका वो इतिहास को पढ़ के सुना रहे हैं,
इस जन्म की बात तो आपको मालूम है, आप कहां से आए और किस किस स्टेजेस से गुजर रहे हो, मगर जा कहां रहे हो ये जानते हो क्या? कोई नहीं जानता कहां जा रहे हो। केवल हमारा योग दर्शन जो ये कहता है कहां जा रहे हो, मौत से साक्षात्कार करवा देते, समझे समझे। पातन ऋषि ने एक जगह कहा है, तीसरा चैप्टर है विभूति पात, उसमें दो सूत्र है 33 और 36, उसमें कहा है साधक को जब प्रातिभ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उस ज्ञान का नाम है प्रातिभ ज्ञान, तो उसे 6 सिद्धियां होती है। उसमें पहली सिद्धि है ध्यान और समाधि की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है, अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। मैंने नासा को लिखा है कि जब फ्यूचर को देखेगा तो भूकंप भी तो दिखेगा, वो रोका नहीं जा सकता, ये बात सत्य है, मगर जानकारी हो जाए तो जरूर हानि तो कम होगी। मगर ये क्योंकि ये ज्ञान वैदिक दर्शन दे रहा है इसलिए परेशानी है सब, ये हिंदू दर्शन की व्याख्या है इसलिए परेशान है सब। मगर अब सत्य कभी छुपा है, एड्स और कैंसर से बचना होगा, यहां आएंगे लाखों वेस्ट के लोग और आपके आंखों के सामने आ जाएंगे। समय नहीं है दूर, वो तो स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे आपके सारे शारीरिक रोग खत्म, अब मानसिक रोग भी खत्म हो जाते हैं। 80% बीमारियां मेंटल टेंशन से रिलेटेड है, मानसिक तनाव से होती है। अब मेडिकल साइंस के पास उस टेंशन को खत्म करने के लिए एक नशा है, नशे की दवाई, वो नशा जब तक चढ़ा रहता है दवाई का तो स्नायु मंडल जो है सुस्त हो जाता है, फिर वो कष्ट थोड़ा कम महसूस होता है, उतरते ही वैसा का वैसा वो टेंशन वैसा का वैसा, वो रोग वैसा का वैसा। हम भी ये मानते हैं कि नशा प्रॉपर इलाज है मेंटल टेंशन का, मगर वो नशा राम के नाम का होना चाहिए, ये मैटर का नहीं होना चाहिए, स्पिरिट का होना चाहिए वो नशा। मैंने उनको पश्चिम आड़ों को कहा कि भैया बात दिक्कत एक यही है कि तुमने मैटर का ऐसा टाइट पकड़ रहा है कि स्पिरिट को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हो, और हमने तो स्पिरिट को पकड़ा मगर मैटर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए रगड़ा है। तो मैटर प्लस स्पिरिट, फिर कोई रोग नहीं रहेगा। बाहर की दवाई लो और अंदर वाले डॉक्टर से दोस्ती कर लो जो आपके अंदर बैठा है, दोनों मिल जाएंगे, फिर कोई रोग साध्य नहीं रहेगा। और मैंने लाखों आदमियों को ये मूर्त रूप से चेतन करके प्रूव कर दिया कि ये सत्य है, सत्य कभी नुका नहीं है, जितना विरोध होता है तेजी से बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि नदी के अंदर अगर कोई रुकावट आ जाती है घास फूस कचरे की, पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसका वेग 10 गुना ज्यादा हो जाता है। तो इसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहे हैं मेरे रास्ते में, जो रुकावट डाल रहे हैं, वो भ्रम है, ये रुकने वाली चीज नहीं है, ये धन से नहीं चल रही है, धर्म चल रहा है, धर्म चल रहा है। धर्म अपने आप में एक पूर्ण सत्ता है, राम को माया संचालित नहीं कर सकती, एक विज्ञान है, हमारा विज्ञान है, मूर्त रूप ले रहा है। मैं पहले कहता था कि ये दर्शन विश्व दर्शन होगा तो यहाँ के लोग ज्यादा परेशान थे, वेस्ट के इतने नहीं थे जो यहाँ के थे, मैं नहीं बताना चाहता कौन था, समझे। तो सभी ईश्वरवादी धर्म जो है ना, उनकी एक भविष्यवाणी है, ईश्वरवादी की बात करो, कम्युनिस्टों की या निरीश्वरवादियों की नहीं कह रहा हूं, वो मान के चल रहे हैं, उनकी भविष्यवाणी है कि वो कहते हैं एक क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, एक नया संसार इस संसार में पैदा होगा, क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड। वो कैसा होगा? तब कहते हैं क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के आदमी क्या स्थिति होगी? तो कहते हैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बी। महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी है, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। ये वैदिक मनोविज्ञान है। हमारा सबसे पुराना है ऋग्वेद, उसमें जब मनुष्य शरीर की बात की गई है
तो कहा ये सात प्रकार के सेल से बना है, उसके अंदर आत्मा है। फिर वो अलग अलग सेल्स की बात करते हैं, तो पहले मैटर से शुरू करते हैं, अन्न से। ये शरीर बना, उसमें पहले अन्न, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। विज्ञान ने खूब उन्नति कर ली, पश्चिम ने विज्ञानमय कोष को खूब चेतन विकसित कर लिया, मगर शांति क्यों नहीं हुई, समस्याओं का मानव के अंत क्यों नहीं हुआ। तो मैंने उनको कहा है कि जब तक आदमी के ऊपर के तीन कोष, जिसे सत्यजागरण कहते हैं, सत प्लस चित प्लस आनंद, वो तीनों चेतन नहीं होंगे, इस प्रकार सातों चेतन होंगे तो मानव की समस्याओं का अंत हो जाएगा, जिसे हम सच्चिदानंद कहते, सतचित आनंद, समझे। तो आनंदमय कोष तक तो हमारे कई ऋषि पहुंचे, यागवल्क पहुंच गया था आनंद तक, यागवल्क आनंद तक तो पहुंच गया था, मगर सत्तो चित अभी अनटच्ड है, अब इसे सातो चेतन हो रहे। सातो चेतन होते मनुष्य अपने असली फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं कहता हूं ये ह्यूमन बॉडी डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगी, विज्ञान वाले कहते हैं ये मारे क्या कर रहा है, मगर एड खत्म हो गया बोलते नहीं, कैंसर खत्म हो गया। तो मैं कहता हूं अंदर वाला डॉक्टर और बाहर वाला डॉक्टर दोनों मिला के काम करो भाई, तो ये नशा आएगा राम का, मानसिक तनाव खत्म, उससे रिलेटेड सारे रोग खत्म। अब वो डॉक्टर कहते हैं जी ठीक है, नशे तो खत्म हो गए, अभी 20 साल से खा रहा है, 7-8 दिन में बंद, कोई तकलीफ नहीं। और सब डॉक्टर जानते हैं कितनों का छूटा। अब वो एक ही बात कहते हैं गुरुजी, वो आफ्टर इफेक्ट्स कहां गया, इतने साल से जो जहर खा रहा है उस खाए का आफ्टर इफेक्ट्स कहां गया। मैंने उनको कहा यह आफ्टर इफेक्ट्स मेरे के समझ में नहीं आता, ये गलत है, अगर आफ्टर इफेक्ट्स होता तो मैंने जो नाम बताया उससे कहां गया आफ्टर इफेक्ट्स। मैंने कहा वो डिमांड है उसकी। उनको मैंने कहा अभी मान लो मैं अफीम खाता हूं, सुबह खाया नशा आ गया, फिर काम करने लग गया, शाम को वो नशा तो उतर गया, वो अंदर जो वृत्ति प्रधान है वो मांगती है ला मेरी खुराक दे, अब नहीं दोगे तो परेशानी आ जाएगी। आपकी टेस्ट में वृत्ति क्या है, तत्व क्या है, वो समझ में नहीं आता। इतने सूक्ष्म तत्व है वृत्ति और तत्व कि आपकी टेस्ट में नहीं आते, इसलिए आप उसको आफ्टर इफेक्ट्स बोल देते हो। आफ्टर इफेक्ट्स नहीं, वो डिमांड है आदमी की, आप डिमांड खत्म नहीं कर सकते, मेरा ये चैलेंज है। और दुनिया नशे से मुक्त हो नहीं सकती, नहीं तो आओ मैदान में बात करो ना, ये लाखों आदमी क्यों छूट गया। तो इस तरह वृत्ति बदल जाती है, त्रिगुणमयी माया से सृष्टि की उत्पत्ति, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। जो वृत्ति प्रधान होती है वो मांगती है, वो खाना पीना देना पड़ता है। गीता में साफ कहा 17वें अध्याय में 3 श्लोक 8-9 बस, किसको क्या पसंद है। और 10वें अध्याय में 1 श्लोक है, उसमें कहा कि ये वृत्ति बदल सकती है। हमारा योग दर्शन कहता है, और पाटन ऋषि ने भी कहा ये परिवर्तन 5 कारणों से आता है। आखिरी चैप्टर है केवल्यपाद, आखिरी चैप्टर है योग दर्शन का, उसमें ऋषि ने कहा है कि ये परिवर्तन आदमी में 5 कारणों से आता है। पहला कारण पूर्व जन्म से संस्कार लेकर आया वो, फिर जप तप योग, और 5वां कारण औषधि। पाटन ऋषि ने औषधि से भी इस परिवर्तन को स्वीकार किया है। आपने सुना होगा कायाकल्प तक करते थे हमारे ऋषि, कायाकल्प का मतलब बुढ़ापा आने ही नहीं देते थे, उम्र तो उतनी, उसमें हेराफेरी नहीं होगी, मगर रोग शोक से भुगती। तो आज तो हम पश्चिम का दिया हुआ जहर खा रहे हैं भाई। एक आपके यहां गेंदड़ी के राजपुरोहित है जसवंत सिंह जी, मिशिगन में रहते हैं अमेरिका में, वो मेरे कहते हैं गुरुजी आजकल अमेरिकन जो है वो साइकोलॉजिस्टों के पास ज्यादा जाते हैं हम डॉक्टरों के बनिस्पत, क्योंकि वो अपनी दवाई से घबराने लगे खाते हुए, अल्टरनेटिव थेरेपी पे जा रहे हैं सारे, और हमको जहर खिला रहे। एड्स ठीक क्यों को मैं नहीं बोला, मगर जो बिल गेट्स साहब आए ना इस देश में खैरात देने आए, भीख देने आए, हमने भीख ले ली, मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा बिल पूरे विश्व को, मैंने मीडियाज को मैसेज दिया है इन राइटिंग, दस्तखत करके भेजा है, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया दोनों को, पूरे संसार के न्यूज एजेंसी को भेजा है।
मैंने कहा बिल गेट साहब, अगर आप अपने अमेरिकन गवर्नमेंट की एक चिट्ठी भी आता है कि हमने तो डॉलर की ताकत से एड्स खत्म कर दिया, अब आपकी मदद करते तो एक्सेप्ट करते, अपने में कितु डाले पहले, नहीं तो दिया 10-20 लाख जो है यहां फ्री ठीक करूंगा, मगर रुपए के सामने डॉलर को झुकना पड़ेगा। अब वो ठाकर है, अब चाकर बनने में बड़ी परेशानी हो रही है, और एड्स ठीक करानी तो आना ही पड़ेगा, कैंसर ठीक कराना तो आना। वो आया फार्मेसिस्ट अभी अमेरिका से अपने बेटे को लेके, उसने मेरे को कहा गुरु जी अमेरिका में 70% फैमिलीज के कैंसर है, एक मेंबर का कैंसर है 70 फैमिली। मैंने कहा तो बहुत बुरी हालत है, आप तो विज्ञान में सबसे उन्नत हो, मेरे से कारण क्या है भाई? उसने कई कारण गिनाए, जो मेरे समझ में आया वो ये कि वो डिब्बा बंद खाना खाते, कोई घर में औरत नहीं बनाती खाना, वो पैकेट सीधे बाजार से, अब वो सड़ नहीं जाए इसलिए उसमें एसिड डालते, वो एसिड फिर अंदर जाएगा शरीर में तो जलाएगा और क्या करेगा, उस कारण से कैंसर हो रहा है उनको। उसने मैटर के अलावा स्पिरिट्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। मैंने कहा तुमने भयंकर भूल की है, स्पिरिट प्लस मैटर फिर कोई रोग का साधन नहीं है, मगर इसमें स्पिरिट को शामिल करो आप मैटर को, तो इस प्रकार सारे मानसिक रोग खत्म, नशों से छुट्टी, तो शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नशों से छुट्टी, ये जीवन तो सुधर ही गया। अब ध्यान की स्थिति में साधक जो है अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखता सुनता है। मैंने मेरे वेबसाइट में ये बात दी हुई है, उनको चैलेंज किया हुआ है कि नशा केवल हमारा योग ही छुटाना सिखाता और कोई नहीं सिखाता, और इस धर्म की इस देश की शरण में इस ज्ञान के लिए तुमको आना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी की भविष्यवाणी है, एक उन्होंने कहा कि जब मेरे पश्चिम के कई अनुयायी यहां आएंगे और तुमको कहेंगे कि तुम कर क्या रहे हो, धर्म कर्म और रहन सहन में चाल चलन में आपका धर्म हमारे से कहीं अच्छा है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं यहाँ के, आप क्या कर रहे हो, तब ये देश मानेगा। और समझी की भविष्यवाणी है कि वो हमारे देश में गुरु बन के नहीं आएंगे, ये भौतिक विज्ञान में वो हमारे गुरु होंगे, इस आध्यात्मिक विज्ञान में ये देश विश्व का गुरु होगा। ये स्वामी विवेकानंद जी की भविष्यवाणी है, ये भारत फिर विश्व गुरु बनने जा रहा है, कोई साधारण बात नहीं है। मगर वो दबाव है, राजनीतिक दबाव है, और आर्थिक दृष्टि से हमारी स्थिति कमजोर है, आयुर्वेद को उठने ही नहीं देते, और जहर तो हमको खिला रहे खुद नहीं खा रहे, अल्टरनेटिव थेरेपी पे, क्यों भाई हमको क्यों खिला रहे हो? तो इस प्रकार ये एक परिवर्तन आ रहा भाई, ऐसा परिवर्तन आ रहा है जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की थी, मगर ये स्वामी जी की भविष्यवाणी है, महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी है, समझे? तो अब ये सातों कोष चेतन हो रहे, और किसी जाति विशेष से संबंधित नहीं है परिवर्तन, इस ह्यूमन बॉडी में आने वाला परिवर्तन है। आपको ताजुब होगा, बॉम्बे में पिछले साल में 2 महीने था तो बुरका पहने हुए मुस्लिम औरतें आई, एड्स तो सबको होता है ना, और वही कृष्ण का मंत्र दिया मैंने उनको और एड्स ठीक हुआ। अब डॉक्टर्स को कहा, या कई डॉक्टर मेरे शिष्य हैं, तो लोगों ने उनको कहा कि आप क्यों नहीं बोलते हो, डॉक्टर अरविंद बाथरूम में चला गांधी मैदान में 2000 आदमी बीच में बैठे, कुछ दिन दीक्षा लिए, लोगों ने उनसे कहा तो उन्होंने कहा जी वेट घटने बढ़ने में तो हम निकल जाएंगे, ये एंटीबायोटिक थोड़ी कम बेसी कर दी तो वेट बढ़ गया, अगर गुरुजी वायरल लोड टेस्ट करवा ले और वो 50 से नीचे आ जाए तो फिर हम चाहे बोले चाहे नहीं दुनिया बोलेगी। मुझे मालूम नहीं था CD4 CD8 क्या होता है, वायरल लोड क्या होता है, मैं डॉक्टर थोड़ी हूं, तो मैंने पेशेंट को कहना शुरू कर दिया वायरल लोड ठीक कराओ, मैंने उसकी 5000 रुपये टेस्ट फीस लगती है, तो पैसे वाले तो करवाया, वायरल लोड 50 से नीचे आ गया। यहां के एक मुसलमान है जोधपुर के, उनका वायरल लोड 20 से नीचे आ गया,
माइक्रोबायोलॉजी के पैथोलॉजी के डॉक्टर बीकानेर में बहुत है मेरे शिष्य, उन्होंने कहा गुरु जी इससे आगे तो हमारी मशीन काउंट ही नहीं करती, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। वो तो शर्मा जी बहुत बोल्ड है, वो कह रहे जी एड्स पेशेंट के लिए तुम इंतजार करोगे, आएगा नहीं कोई तुम्हारे पास। अब इस पर क्यों नहीं बोलते, वायरल लोडिंग से क्यों आ गया? जयपुर में बुलाई मीटिंग दिनेश माथुर ने, दिगंबर सिंह जी आए, वो रुक्मणी हल्दिया आई आई एस सीनियर आई एस अफसर, संयोग से वो दिनेश माथुर का एक केस किशनगढ़ का, उससे दिनेश माथुर इलाज कर रहा था, करते करते CD4 काउंटिंग तो 38 चला गया, मतलब बचने की गुंजाइश नहीं, और HIV वायरल लोड 1,05,000, और 2-3 महीने में CD4 काउंटिंग आ गया 529 रेंज के अंदर, और वायरल लोड 50 से नीचे। मेरे लोगों ने कहा कि ये माथुर साहब आपने तो इसको मार दिया था, ये केस है आपका है, आपके ट्रीटमेंट में था ये आदमी, और आज ये जिंदा क्यों है? बोले नहीं, मीटिंग खत्म करके भगे। तो भाई एक विज्ञान है हमारा, ये विश्व दर्शन होगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो आप लोग तो जानते हो कितने लोग राजस्थान में, पूरे देश में मेरे शिष्य, बहुत लाखों शिष्य, मगर मैं इन राजनीतिकों की मजबूरी नहीं समझता कि क्या है ये, इनके समझ में नहीं आ रहा कि ये या दबाव में है। मैं दिल्ली गया, 5 महीने बंद कर दिया था ना इन्होंने FIR करके, तो मैं जून में दिल्ली था, तो एक अंडर सेक्रेटरी मेरे पास आ गए सेंट्रल सेक्रेटरी के। मैंने कहा भैया क्या बात है, ये स्वास्थ्य मंत्री बोलता ही नहीं है। उसने कहा गुरु जी फार्मेसी अरबों रुपए देते हैं स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार को, आपके पास 1 रुपया है क्या देने को? मैंने रुपया पे तो नहीं भाई, मेरे पास तो राम है सिर्फ, तो क्या राम की इनको जरूरत नहीं, इन्हें रुपया चाहिए। ये सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूं कि करोड़ों रुपए, हमने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया था मेरे शिष्यों ने, आप में से बहुत दस्तखत किए होंगे, 1,05,000 आदमी ने राष्ट्रपति को अब्दुल कलाम को दिया था कि लाखों करोड़ों रुपया रोज जा रहा है पश्चिम में अमेरिका तिजोरी में, आप इसको रोको मेहरबानी करके, देश दिवालिया हो जाएगा। स्वदेशी पत्रिका ने छापा, मेरा इंटरव्यू लिया, तो मैंने उसको कहा भाई मैं क्या कर रहा हूं, इस्लाम का प्रचार कर रहा हूं, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा हूं क्या? तो ये कैसा हिंदुइज्म चला रहे हैं? मैं हिंदू नहीं हूं, मैं वैदिक दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूं, वेद तो हमारे देश की नीति है, मगर वो पता नहीं क्या इनकी मजबूरी है, मेरे समझ नहीं आता राजनीतिकों के। मुझसे वायदा किया आपके राज्यसभा के BJP के नेता जसवंत सिंह जसोल, तो मेरे एक शिष्य को कहा कि देखो जी कि गुरुजी तो कह दे बाड़मेर में, मेरे लड़के को बाड़मेर में सपोर्ट करते हैं, तो मैं इसको हाईलाइट करूंगा, मेरा बेटा लोकसभा में करेगा, मैं राज्यसभा में करूंगा। आज तक नहीं किया। मैंने अभी 2-3 महीने पहले चिट्ठी लिखवाई कि जसोल साहब को कह दो लोकसभा चुनाव फिर भी आएंगे, लोकसभा चुनाव फिर भी आएंगे, वो गड़बड़ाए हुए फिर रहे। तो अब इनका सफाया तो होने वाला है, धीरे धीरे हो रहा है, दोनों एक पक्ष, मुझे देखिए सापेक्षवादी निरपेक्षवादी दोनों एक दूसरे इनके अंदर से 60-60 है, 5 साल तू कर ले राज, 5 मैं कर लूंगा है? राम का नहीं सो काम का नहीं। मैंने पूछा राम के बिना कोई एग्जिस्ट करता है क्या? चुप हो गए। अब वो नारा नहीं लगाते राम का नहीं तो काम का नहीं। मैं क्या मुसलमान को राम ने नहीं बनाएगा, ईसाई को राम ने नहीं बनाएगा, राम तो सबका घटघट का वासी है भाई, ऐसे तो थे नारे, अब तो बंद कर दिए। तो ये बड़ा, ये एक ऐसा विचार है, ये एक ऐसी नई जागृति है। अब तस्वीर से फायदा हो गया, अब वो हड़बड़ा रहे कि तस्वीर से योग क्यों हो रहा है। मैंने उसको कहा, मैंने वेस्ट बंगाल का, मैंने कहा आपने मैटर के साथ बहुत ज्यादती की, अब मैटर बदला ले रहा है तुमसे,
मेरी तस्वीर से योग हो रहा है, मैंने कहा तो तस्वीर तो निर्जीव है ना, इससे योग क्यों हो जाता है? और एक को नहीं लाखों को हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? इसका मैं थोड़ा आपको, बहुत बुद्धिजीव लोग हैं, सरकारी मीडिया के भी बहुत लोग आए मैं जानता हूं, तो ये एक परिवर्तन ऐसा आया जो आज तक मानव जाति में नहीं आया। हमारे धर्म में आराधना के दो तरीके, दो रास्ते हैं, एक सगुण साकार उपासक मंदिर पूजने वाले लोग, एक निर्गुण निराकार सन्यासी वर्ग, दोनों ही आराधना जो करते हैं, देखिए कोई भी आराधना गलत नहीं है, उस मंदिर पूजने वाले ये थोड़ी करते हैं, ये थोता काम है, वो तो बिल्कुल श्रद्धा से करते हैं, और सन्यास वाले भी श्रद्धा से करते हैं, तो उस आराधना से जो इस शरीर में परिवर्तन आता है वो मरने के साथ वो फिजिकल परिवर्तन खत्म हो जाता है, गाड़ दो या जला दो, वो अगले जन्म में नहीं जाता। या फिर निर्गुण निराकार वाले की बात ले लो, उसकी आराधना करने से ही जो परिवर्तन आता है, फिजिकल बॉडी में परिवर्तन आता, तामसिक वृत्तियां राजसिक वृत्तियां शांत होती है, मगर वो परिवर्तन अगले जन्म में नहीं जाता, इसलिए मामला गड़बड़। महर्षि रविंद्र की एक भविष्यवाणी है कि ये परिवर्तन अगर एक ही मनुष्य में एक ही जन्म में आ जाए, दोनों परिवर्तन एक जन्म में आ जाए, तो फिर पूरा मानव का कल्याण हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, मैं आराधना वाराधना नहीं करने वाला आदमी, आप तो आए सुनने, मैं सुनने को तैयार नहीं था, तो मुझे मजबूर में गायत्री मंत्र की आराधना करनी पड़ेगी, 1,25,000 का पुरुषन किया हवन और आहुति के साथ, उससे एक ट्रांसफॉर्म हो गया, डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई मेरी बॉडी, जिससे पैदा हुई उसके असली फॉर्म में आ गई, वो निर्गुण निराकार की आराधना। फिर मैंने कहा, मैं नहीं जानता था स्थिति विधि क्या वाला होती है, मैं समझता नहीं था सिद्धि क्या होती है, लोगों ने बताया ये हो गया, मैं चलो हो गया हो गया। फिर मैंने कहा ये कृष्ण वाले से, तो कृष्ण ने कहा कि यहां भी मैं और मर के मेरे पास आ गया अर्जुन को अभी मान ले, मैंने उसका मंत्र जपना शुरू कर जो मैं आपको दिया, उसकी भी सिद्धि हो गई। अब दोनों सिद्धियां एक ही जन्म में एक ही फिजिकल बॉडी में होगी, इसलिए तस्वीर अफेक्ट करने लगी, आज तक नहीं हुई दोनों सिद्धियां मानव जाति में, ये इनोसेंट वे में होगी, मेरे बिना चाहे होगी, मैंने ऐसा हो जाएगा इसलिए आराधना नहीं की, भौतिक परेशानी से परेशान होकर आराधना की पहली पहली, फिर दूसरी वाली जिज्ञासावश की, इससे क्या होगा वो भी नहीं जानता था। अब दोनों सिद्धियां एक ही जन्म में एक ही शरीर में हो गई, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, भगवान कृष्ण तो नवे अवतार थे, वो फिजिकल बॉडी में चेंज आ गई उसकी, और वो निर्गुण निराकार वो प्रकाश में ट्रांसफॉर्म हो गई, इस कारण से तस्वीर में ठीक हो रहा, तस्वीर से ठीक हो रहा है। अगर आप किसी को अपने गांव में मोहल्ले में तस्वीर से ध्यान करा दो, चाहे वो शिष्य है या नहीं है, योग हो जाएगा, और उस योग से कैंसर और एड्स खत्म हो रहे। अब इस मैटर को हाईलाइट कर दे तो फिर फार्मेसियों का क्या होगा, पश्चिमवाणियों का है? सीएनएन के उस चीफ ने कहा था कि उस लड़कियों को कहा कि तू ये केस यहां रख दे, उसने कहा अमेरिका तो दो चीज से कमा रहा है, एक हथियार से दूसरा दवाई से, तो हथियार तो जैविक हथियार ने खत्म कर दिया, अगर ये खत्म हो गया तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी उस देश की, ये मामला बहुत सीरियस है। अब वो कहता है हम इंडिविजुअल आदमी का CD4 काउंटिंग टेस्ट करवाए, मैं करवा ले, मुझे उम्मीद नहीं वो करेगा। कई लोगों ने बता दी, वो स्वतंत्र मीडिया CNN तो बहुत केबल वर्क ऐसा है, मगर मुझे विश्वास नहीं कि अमेरिका के दबाव के सामने वो कुछ कह सकेगा। हाँ, ये कैंसर एड्स वाले जो आ रहे ना वैज्ञानिक, ये जरूर अमेरिका में प्रचार करेंगे, मीडिया नहीं करेगा, भारत का मीडिया तो बिका हुआ है। वो पश्चिम का बैठा एक ब्यूरो चीफ अगर जो भारतीय प्रेस को गुड़की पिला दे, कांपने लग जाते हैं वो कात नहीं उनके सामने बोलने की,
ऐसी स्थिति है, तो एक विकास है भाई, विकास आ रहा है, मानव चेतना आ रही है, और ये दर्शन, ये मानव जाति में होने वाला जो विकास है, अब वो आनंद तीनों को चेतन हो गए, हो रहे हैं धीरे धीरे। आदमी पहले आनंद में जाता है, फिर चित्त में पहुंचता है, फिर सत्य में पहुंच जाता है। तो जब समाधि लग जाती है, समाधि के तीन रूप, पहला ध्यान, ध्यान जब गहरा होता है उसका नाम समाधि हो जाता है। पहले सबीज समाधि, फिर निर्बीज, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। निर्बीज में यहां पहुंच जाओगे तो आपको आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि आपका अलावा कोई है नहीं, अद्वैतवाद है, हमारा दर्शन का अद्वैतवाद है। आदि गुरु शंकराचार्य को आपने पढ़ा होगा, समझे नहीं समझे? तो अब ये योग प्लस वेदांत पूर्ण दर्शन है। वेदांत अकेला पंगु है योग के बिना। वेदांत का मतलब जो सूत्र योग से प्रमाणित हो गए, जैसे भौतिक लेबोरेटरी में रिजल्ट मिल गया वो एक सूत्र बन गया, उसी तरह से इससे ये रोग कैंसर खत्म हो गया, उसको सूत्र बना लिया, तो सूत्र पढ़ के सुना रहे हैं मगर योग गायब हो गया। ये युग का गुणधर्म है, योग गायब हो गया। स्वामी विवेकानंद जी की एक भविष्यवाणी बहुत मुझे याद है, वो उन्होंने कहा कि ये देश कई दफे गिरा कई दफे उठा, कई दफे गिरा कई दफे उठा, मगर ये दो घड़ी की अमावस्या की रात्रि जो है, इतना गिरावट इस देश में पहले कभी नहीं आया। पर उसके साथ में एक और बात कह दी, परंतु जो उत्थान होगा इस गिरावट के बाद, उत्थान होता है, उत्थान के बाद गिरावट ये चलता है, इसके बाद जो उत्थान होगा, तो पहले वाले उत्थान जितने भी हुए ना इस देश और धर्म के, वो गाय के खुर के समान लगेंगे छोटे, इतना ये देश शिखर पे पहुंच जाएगा। ये विश्व गुरु होगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये एक विज्ञान है भाई। तो इस प्रकार अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, गाय की ध्वनि निकले के पीछे, क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। अच्छा, अब ध्यान करो भाई, 15 मिनट यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो, कोई प्रकार की यौगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। शुरू कर दो। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरे पार।
Thank you.